Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you must be fine and enjoying your holidays with online classes. Students, today in this video, we will talk about the solution of first unit test of chemistry. Your first question was, fill in the blanks. Dash is the measurement of quantity of matter contained in a substance. ऐसी क्या चीज है बच्चों जो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है किसी भी मैटर के किसी सब्सटेंस को कंटेन करने वाली. सो द आंसर वॉज मास. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ फोर्स ऑफ कंप्रेशन किसी किसके वॉल्यूम पे फर्क नहीं डालता. तो दैट इज सॉलिड. सॉलिड को हम कितना भी प्रेशर दे दें कंप्रेस कर दें बट वो उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता. Your next question was, gas is a highly compressible. Gas को हम बहुत सारा compress कर सकते हैं. Next, answer the following question. What is pure substance? What is matter? And what are the states of matter? These were your question answers. So let us see the answers of these questions. So your first answer was, a chemical substance is formed of matter having constant chemical compositions and characteristics properties, they are unbreakable chemical bond. Means वो chemical pure substances वो chemical substance होते हैं जो कि matter में contain constant होते हैं. constant कैसे होते हैं chemical compositions से और characteristic उसकी जो characteristic properties होती हैं वो कैसी होती हैं constant होती हैं. means जो एक की होगी वही दूसरे की होगी. तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं और ये जो होते हैं ये अनब्रेकेबल होते हैं केमिकल बॉन्ड्स. इनके जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वाज मैटर. एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा और जो आपकी मिस्टेक रही होगी वो आपको क्लियर हुई होगी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. Desirable change, reversible change, exothermic and solids. Desirable change, a change that we want to take place and is useful to us. वो changes जो हम चाहते हैं कि वो हो और useful हो हमारे लिए, ऐसे changes को हम desirable change कहते हैं. जैसे settling of curd, दही का बनना, तो ये क्या है हमारे लिए useful change है. Next, reversible change. A change that can be reversed by reversing the condition which caused by the change. किसी भी condition को जिस condition में वो change हुआ हो उस condition को अगर हम reverse कर दें और फिर से वही change हो जाए तो ऐसी condition को हम क्या बोलेंगे, reversible change. Exothermic change, a change in which heat, exothermic change, a change which इन विच हीट इज रिलीज्ड. वो चेंज जिसमें हीट रिलीज होती हो उस चेंज को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक चेंज. सॉलिड्स, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड मास. वो ऐसा एलिमेंट जिसके पास में फिक्स शेप हो, साइज हो और मास हो उसे हम सॉलिड कहते हैं. आई होप आपको आपके सारे आंसर्स क्लियरली समझ में आए होंगे. स्टूडेंट्स, अब आप अपने आंसर्स को इससे वेरीफाई करिएगा और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.